बहराइच जिले में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता की मौत, ससुराली जनों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज। मामला फखरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मापुर का। आपको बता दें कि मृतका बिट्टा देवी की शादी 5 वर्ष पहले धर्मापुर के प्रमोद के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से दहेज को लेकर कई बार बिट्टा देवी को प्रताड़ित किया जा चुका था। एक बार इसके संबंध में लड़की के घर वालों ने पंचायत भी करवाई थी। विवाहिता के मायके वालों का आरोप है कि 11 जून की रात को प्रमोद ने शराब पीकर घर में बिट्टा देवी के साथ मारपीट की और उसी रात संदिग्ध अवस्था में बिट्टा देवी की मौत हो गई। वहीं फखरपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिन और सुबह फोन किया था कि भेज दो हमारे यहाँ चौराहा पे सिरौला, और उनका अम्मा पप्पा ने कहा था कि अब से लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हो, अब भेज दिया जाए। कायदे सने फ्रेशी गलती माफी मांगी और सबके लोगों से कहे से हम भैया भेज दिन, सबके लोगों से कहे भेज दिन कि शादी उसके शादी भाई है साथ है तो मतलब काटना है बिटिया को उसको, तो सबके कहे से भैया भेज दिन। अब उसको ना ले गया था तो 4 रोज उसको खाना नहीं दिया था। अच्छा। बिटिया का 4 रोज बाद में है फिर गला दाब के बिटिया का मार दिया।